No, there's a word called when you have to. That's an amazing question. When you have to, when there is an option, you think about a second option. But when you have to, you don't have an option. Example, कैसे जब मैं hustle कर रहा था मुझे I have to make it in hip hop. और मैं तो भूखा मर जाऊँगा. Right. तो मेरा वो H पर आ गया था कि तेरा I have to write a good song. I have to do something to make my video because otherwise I'll be like I'll die. So वैसे ही stunt का था. So there was no option. He will call you there. There are 15-20 cameras there. There are so many things. There are you know that your face is actually people are going to watch it. It's a very big show. So you have to do it. तो हैव टू में आप ऐसी चीजें कर जाते हो जो आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आप कर पाओगे अदरवाइज, क्योंकि आप एक फैंटेसी पार्क में जाओगे तो मना कर दोगे ना, मेरे पैसे मेरे बाप के पैसे नहीं करना, वो थोड़ी फोर्स करेगा ड्राइव, तो बैठना ही पड़ेगा तुमको ड्राइव पे, तुमने पैसा दिया रोलर कोस्टर में चढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ी बोलेगा, बोलेगा नहीं चढ़ना भाई मेरे को. वहाँ पर यह था कि इफ यू डोंट डू इट देयर कॉन्सिक्वेंसेस आर सो मेनी, सो यू पुश योरसेल्फ टू अ लिमिट दैट यू नो दैट यू नेवर इमेजिन. एंड ऑल्सो कि जब आप अपनी लाइफ की इतनी एक्सट्रीम सिचुएशंस देख लेते हो ना, तो वो आपको काफी स्ट्रांग कर देता है बहुत लेवल्स पे. अब हमारे साथ भी ऐसा था कि उस मोमेंट पे एटलीस्ट हमें पता है कि 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, इट्स कमिंग एज अ डेडलाइन, तो उस मोमेंट पे अपना पेशेंस लेवल हम अपना स्ट्रांग रखते थे. शी यूज्ड टू बी वेरी काम, इसने हाइट स्टंट्स इतने ऐसे किए कि हमारा जॉ ड्रॉप, हमने दोनों ने धोते हुए देखा है भाई ने डायनामिक स्टंट्स किए, तो इट वॉज ऑल पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि हम दिमाग से शांत रहते थे कि यू हैव टू बी काम, अपना पेशेंस लेवल ऊपर रखो तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे. एटलीस्ट आपको ये पता है कि आप कर सकते हो, आप में इतनी ताकत है. For me, if you ask about the mantra for being focused, as you said, I agree to that. सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं है इंसान, फिजिकली तो चलो हो जाएगा, पर आपके दिमाग में क्या चल रहा है उस टाइम पे. सो इफ आई सी अ फ्लैग कि मुझे ये फ्लैग लेना है, तो बस मुझे लेना है, मेरी नज़र उधर ही है अब, और मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को बोल रही हूँ कि मुझे वो फ्लैग लेना है. तो इट बिकम्स अ थिंग. जैसे एक गाना होता है वो कैची हो, बेबी काम डाउन, अब काम डाउन उसमें 1050 बार आएगा, तो काम डाउन इतना बड़ा गाना बन गया कि वो बेस्ट एफ्रोबीट सॉन्ग है. तो ऐसे आप दिमाग को क्या कैसे ओवरकम कर रहे हो कि यू नो वो झंडा लेना है या ये मेरा टारगेट है, मुझे रस्सी पर चलना है. अब मैंने वो रस्सी वाला कल स्टंट किया, उसमें पूरी गिर गई, अर्चना ने संभाला मुझे, उसकी स्ट्रेंथ बहुत काम आई, 50-50% तक दो बार गिरी, बट गिरने के बाद मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं गिरने वाली हूँ, मेरे दिमाग में ये था कि मुझे संभलना और वापस करना है. सो हाउ इन दैट स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम यू आर कीपिंग योर सेल्फ यू नो इंटैक्ट इन योर ब्रेन कि भाई ये लेना है झंडा मुझे, इसको मैंने मुंह पे मारना है एक घुसा तो इसके मुंह पे ही लगना चाहिए वो, यू नो, सो द टारगेट शुड बी क्लियर. So yeah, I think that was my way of, you know, dealing with it. Yeah. A huge round of applause. Okay, so this next segment is even more fun than the last one. Arey wow. So in the next segment, it's called Guess the Imposter Challenge. Okay, so you all will all be given a headphones. Okay, and उसके ऊपर songs बज रहे होंगे. But the catch over here is that दो लोगों के headphones में same song बज रहा होगा and एक जन में अलग song बज रहा होगा. And it'll be two different genres. For example, if one of them is a hip hop song, then the other one will be something which will be a romantic song. But all of you all have to vibe in a way where it looks like it is a very, you know, happy song and you all are having a very good time vibing to it. And then after 15 seconds, we take the headphones off and then you all guess ki kiske headphone mein alag gana baj raha tha. Okay. Okay? So can you have the headphones, please? You guys can guess, no? Itne sare log baithe hain, bhi involve karo. Oh yeah, we can have the audience also. Aur kya, involve karo. Karo bhai. Guess karo. So what we'll do is first you all can guess ki kaun hai. And then afterwards we'll let the audience guess ki kaun hai. And then the person jiske andar reveal ho raha tha, they can, you know, just speak up ke haan, mere mein ye song nahi hai. Do mein sad song chalega, ek mein sad song. Nahi, songs sab alag alag chalega. And ek ke andar, suppose for example you, so if it's, for example, कोई भी गाना चल रहा है, हमें प्रिटेंड करना है कि हम हैप्पी सॉन्ग पे वो कर रहे हैं. या या एक में सैड सॉन्ग चलेगा, ब्लफ करना है बेसिकली. ब्लफ करना, या ओके. सो आर द म्यूजिक प्लेइंग? चलाई थी गाना. ओके, टू मेक इट मोर फन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्टैंड अप एंड वी कैन डांस आल्सो. Songs?
Okay, what we can do is we can take the headphones, we can pair them again and we can have it. Yeah, just one second. So by that time, anyone in the audience who has more questions? Yeah. Hi, like, I'm Vishakha and I'm like very big fan of KK. And yeah. So like, how off camera bonding helps in the like stunt, like when there's the high stress environment, like challenging stunt. So how it helps? And we have saw the bonding of Dino, Shiv and Sundas. So it's like very famous guy of nowadays. So how it helps in stunt, like when you perform the challenging stunt. वो बेसिकली जब पार्टनर स्प्रिंट होता है ना तब थोड़ा आसान हो जाता है कि आपको अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है, आप उसको समझते हो, आपके स्प्रिंट समझता है, वहीं पे फायदा होता है। अदरवाइज तो फिर तकलीफ ही होती है, दिल दुखता है यार उसको कैसे हराऊं, वो मुझे हरा देगा तो कैसे लगेगा। हां, ट्रस्ट इश्यूज, हाउ यू ओवरकम द ट्रस्ट इश्यूज व्हेन यू आर रिलाइंग ऑन द अदर पर्सन टू लाइक ड्यू स्टंट। देखो पहले रश्मीत ने साथ में दोस्त के पार्टनर वाले फर्स्ट स्टंट जो हमारा था वो सिचुएशन ऐसी थी हम दोनों को जीतना था, तो वहाँ पे नीड ऐसी होती है ना यॉच वाला वो फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड के बाहर बोर्ड हमारे ग्रुप ने पूरे छिल गए पूरे। तो वो रश्मि का मेरा पहला पार्टनर स्टंट था। अब हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि हार जाते तो घर जाते, घर जाना नहीं था। क्या सवाल था? ट्रस्ट इश्यूज तो है ही नहीं, वो पता है क्या होता है, आप पार्टनर बन गए, आप टीम में आ गए, आप कैप्टन, ये सब चल रहा है। नहीं, यू जस्ट रीच देयर एंड सी व्हाट द अदर पर्सन डज, उसके बेसिस पे सब होगा। आप किसी को कुछ समझा नहीं सकते, आप किसी को कुछ पढ़ा नहीं सकते। मैंने इसको देखा, अगर इसने मेरा इशारा समझ गया कि भाई मुझे करना है, ये कर रही है तो मैं भी करूँगा, मैं कर रही हूँ तो ये भी कर रही है, यू नो, लाइक अ बॉन्ड इज इम्पॉर्टेंट to get inspired from each other. अगर वो नहीं है, अगर ठान लिया, वर्चना ने ठान लिया कि मैं तो नहीं कूदूंगी, है ना, तो फिर पूरी दुनिया आ गई वहां पे, जो रोहित शेट्टी सर से लेके अफ्रीकन क्रू से लेके सब आ गए। पर अर्चना ने सोच लिया, अब उस टाइम पे मैं उसकी पार्टनर हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैंने अर्चना के साथ और स्टंट नहीं किए, अभी कल वाले स्टंट में हमने उसको कम्प्लीटली डिफरेंट, हमने जीत लिया वो स्टंट एक दूसरे को इंस्पायर करके। लेकिन उसी के पहले वो जो स्टंट था जो हैशटैग वाला था, उसमें अर्चना ने मतलब ठान लिया कि मेरे को तो करना ही नहीं है, अब पाए चाहे दुनिया जहां आ जाए। तो ट्रस्ट इश्यूज का कोई लेना देना नहीं है इसमें, आप बस फील्ड में उतरते हो और जैसे आप खेलना शुरू करते हो उस हिसाब से, जिसको डर लग गया लग गया, जिसको नहीं लगा वो कर लिया, ऐसा इम्प्रॉम्प्टू या कम्प्लीटली। आई थिंक इट्स अबाउट द टीम वर्क एंड आई थिंक यू नो द सेम पर्सन यू वर इन अ टीम विद फॉर द व्हाट्स योर बॉन्ड विद शिव एंड सोंदर्स। शिव सॉन्डस ऑब्वियसली आई लाइक हर, लेकिन शिव मेरा शहजान और अरिजीत का अलग था, बिकॉज यू नो वी यूज टू शेयर द सेम वैनिटी, सो हम लोग नंगे पुंगे पड़े हुए हैं, बातें कर रहे हैं, लड़कियों की बिचिंग कर रहे हैं, तो हमको बड़ा मजा आता था हमको बहुत, तो हमारा एक स्पेशल बॉन्ड। चार लड़के थे पूरे सीजन, बट रोहित रोहित भाई भी थे बड़ी बड़े मिलेटेड। बट आई विल एक्चुअली डिसएग्री विद व्हाट दे सेइंग, यू नो व्हाट बॉन्ड, व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू हैव अ बॉन्ड, लाइक इफ आई हैव अ बॉन्ड विद शिव और शहजान, तो उनकी जो वाइब्रेशन है ना कि ब्रो जीतना है, तो मुझे इफेक्ट करता था, तुम्हें लगता था कि वो सच्चे दिल से बोल रहा है ना, कि जो स्टंट के पहले मैं शिव को देख लिया, अरिजीत को देख लिया मैंने, तो उनकी आंखों में दिखता था दे वांटेड मी टू विन, आई कैन सी दैट कि यार वो दिख रहा है कि वो तो डीनो देख करने का है, तो वो थोड़ा सा भी, क्योंकि इतना इतना थिन उस पर चल रहे होते थे ना आपके मोटिवेशन पे या फिर आपके स्पिरिट पे, सो वन स्मॉल थिंग यूज टू पुश यू। Example, I remember doing my, we both did the shock stunt together, which was horrible. And it was, कभी कभी लोग आपके बहुत पास में खड़े रहते, कभी कभी तो दूर स्टंट करते हैं, तो आप मैंने लेफ्ट देखा तो आई कुड सी यू नो दैट ऐश्वर्या और नायरा एंड शिव एंड अरिजीत, आई कुड सी दैट इन देयर आईज, तो कभी कभी इनफ होता है, तो इफ यू मेक अ बॉन्ड विद पीपल समटाइम्स इट जस्ट हेल्प्स यू टू यू नो टू जस्ट चिल। लाइक शिव एंड लिया फ्रॉम सेम होम टाउन। रियली? या वाओ, अमरावती। ओके, सो आई थिंक द हेडफोन्स आर रेडी, सो वी कैन नाउ बिगिन विद आवर सेगमेंट। अभी नहीं हुआ तो फिर मैं नहीं करूंगा। जल्दी
we'll stand and dance? No, we'll sit. That ki bahut acha dance. Okay, okay, yes, fine. Performance very bad. Okay, so 3, 2, 1, and play the music. Okay, pause. You think Shazan? Okay, what do you think? Dino. The audience? Dino. Dino? Okay, so what song was playing in your headphone? Gala Lodia. Shazan kar raha tha matlab. What was the song that was playing in your headphones? Okay, so for the next one, let's go. One more round. Yeah, we'll have more 3 rounds. Okay, music in 3, 2, 1, play. I mean, I think this segment is more fun for the audience because y'all are enjoying the scene. Y'all don't know what's playing. Performance song. Okay, pause. Hey! Okay, yeah. What does the audience think? Rashmi. I was pretending. Yeah. Okay, what song was playing in your headphone? Macarena. What was playing in your headphone? Gasolina. And what was playing in your headphone? No. So the basic point was that तुम आप दोनों के headphones में अलग गाना बज रहा था and उनके headphones में अलग गाना बज रहा था. Both the vibes are different. ये तो सारे dance वाले हो गए ना गाने. मैंने तो बोला एक sad song. Gasolina. चलो आगे next. Okay, so the next one. Can you have the music in 3, 2, 1 and play. And pause. Okay, yeah, which one? Shazan? Shazan? Okay, what's playing in your headphone, Shazan? Mera to wahi aise hai. Dilli wali girl. What's playing in your headphone? Same. Dilli wali girl. So it was Dino. Aalap chala to rone wala hai. Okay, so that was it for this segment. A huge round of applause for them. So before I got on stage, I had one person from the audience come to me and say that they themselves were also a rapper. And they wanted to perform on stage in front of you so that they can show their talent to you as well. So can you have them on stage? Oh, yeah. बीट ना कुछ मैं क्या परफॉर्म करूंगा हाँ मैंने करी ये खता है ये लिया मेरा साइड गलत छुपा के सारे बातों की आवाज तेरे बिना शीज का बनाऊ में अपा है काफी सारा अच्छा है ना पता था नहीं तो खाए जैसे जिसमें कभी दे भी यू मिस मी क्या मेरे बर्थडे में बेटा तूने विश नहीं किया डिनो स्ट्रॉन्ग है बताए तुझे किसने कहा खैर तू गिनना पड़ेगा पिन हिस्से का क्या पुराने अपने चैट्स को तू करती होगी रिपीट क्या तू टाइप करके मैसेजेस करती होगी डिलीट क्या तू भी पूछना चाहती है कि कैसा है तू भी क्या तू भी ट्राई कर रही है आई ट्राइंग टू रीच तेरे ख्याल में नहीं हूं पर तू ख्याल रखना साथ में नहीं थोड़ा मलाल रखना जो भी था मेरे पास वो हुआ एग्जॉस्ट वापस प्यार करने की करूं मैं क्या लब नहीं तो डूबे हैं उनके दिन नींदों में क्या याद मुझे भी करती होगी वो क्या याद
ma'am perform for us. A warm welcome to our Vice Principal, Dr. Anjali Patkar, ma'am. Hello, ma'am. Hello. Thank you, ma'am. Also, a warm welcome to the teacher in charge, Mr. Dubey. We have Saurabh, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Okay, so you all want to see Rashmi perform? Yes. Ma'am, can we have... Come on, Rashmi. Come on, Rashmi. Let's go. ओ घर विच खड़े वीर मेरे दगेड़ा ना तू कट्टी ना तू यार लेके आएंगे वेखना द तैनू मैं भी काली सी वे हो जे ना कोई बंदा दाई सी दी कबराई वे ए ए यार लेके आई वे ए ए सी दी कबराई वे ओ जिंद मेरी तेरी ही दमाई आवे सारा जमा तेरे लिए बटोरे बाजरे दा सिट्टा बाजरे दा सिट्टा वेसा तल्ली ते मरोड़िया रुठड़ा जांदा माइया वे असां दिल्ली विच्चों मोड़िया बाजरे दा सिट्टा ओ ओ ओ ओ नदियों पार सजन दा खाया कीते कॉल जरूरी जाना कीते कॉल जरूरी जाना दिल लाले अबे परवाद नाल दिल लाले अबे परवाद ना दिल लाले अबे परवाद नाल दिल लाले अबे पर कमां से ओ ना कर माने रुपये वाला So we have a token of appreciation from our side that we have a moment of you all, and I would request our Vice Principal Dr. Anjali Patkar, teacher in charge. बहुत अच्छा था, अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया, अच्छे सवाल हमसे पूछे गए, बड़े फन सेगमेंट्स किए हमने सब साथ में, और इनफैक्ट हम बहुत दिनों बाद भी मिल रहे हैं तो हमें भी मिलकर अच्छा लगा। ये कॉलेज वाला रीयूनियन था, मतलब बच्चों की शक्लें देख के बहुत अच्छा लगा हमें, क्योंकि हम कॉलेज उतना परफॉर्म करने के लिए तो जाते रहते हैं, काम धंधे में लगे हुए, बट हाँ रोज काम करते हैं तो ऐसा फ्रेश माहौल लगा एकदम, और मजा आया। दिनों आपसे जानना चाहूंगा, आपकी जो जर्नी है काफी अमेजिंग रह रही है अब तक की, काफी सारे अच्छे अच्छे स्टंट आपने परफॉर्म किए, टेल अस समथिंग, फाइनल की जो रेस है उसमें आपका कई हद तक नाम सबसे ऊपर बेटा मुंह से ये इनको इनको बता ही दो ना, नहीं है पता ना कहाँ अभी फाइनल वाले, किसी को कुछ पता नहीं है, कलर्स वाले किसी को बताते नहीं, हमको आंखों में पट्टी बांध के परफॉर्म कराया गया, सही बताऊंगा बिल्कुल, एंड में ऐसा है फिर दो तीन दिन के बाद ही पट्टी उतारी, तो किसी को कुछ पता नहीं है अभी तक की हम लोग कहाँ है, कैसे है, कैसे इंडिया है, बहुत लंबी कहानी। शीजन आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी जो पार्टनर स्टंट्स है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया आपने, टेल अस समथिंग अबाउट द पार्टनर स्टंट्स एंड सोलो स्टंट्स भी काफ़ी अच्छे थे, सबसे शॉकिंग स्टंट कौन सा था? शॉकिंग वाला शॉक वाला था जो मैंने और इन्होंने किया था भाई, बहुत बुरा था वो, वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंस। कितनी बार तू क्या शॉक वाला? हम लोग हां एक्चुअली, तो फिर शॉक ही ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकते, बाकी रश्मि के साथ जितने मैंने स्टंट किए, दो बार हमने स्टंट किए, दोनों बार हम जीते, वो भी एक अलग टाइप का फन था, मज़ा आता था, इसकी मेरी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होते थे हम लोग उस टाइम पे, शांत होते थे, कोऑर्डिनेशन हमारा बहुत करेक्ट होता था, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें बड़ी हेल्प करी हमें एक एक स्टेप आगे लेके जाने में। आप बताना चाहोगे सबसे डिफिकल्ट स्टंट आपके लिए? सारे डिफिकल्ट थे अब तक हमने जो टेलीविजन में देखा, कौन सा आपको कौन सा डिफिकल्ट नहीं लगा आप बताओ? हां आपको कौन सा, वो भी खास मेरे को तो सारे देखो, कर लो कि सारे में कर लेता है मुझे सारे स्टंट्स बहुत हैवी मिले हैं वैसे भी, मतलब पावर स्टंट मिले हैं, कोई भी स्टंट मुझे ऐसा मिला, डायनामिक स्टंट दिए हैं हां कि जो सिर्फ ऐसे लेट के करना है ऐसा, बट आई एम सेइंग एवरी स्टंट इज डिफिकल्ट, इवन इफ यू आर लुकिंग एट कोई भी स्टंट, तो आप खड़े होकर देख रहे हो तो वो आप नहीं बता सकते, हर स्टंट मुश्किल है, पर खुदा का नाम लेके हम बढ़ते चले गए और हम सबने एक दूसरे को सपोर्ट सिंगल किया, पीस में वापस भी आ गए और वापस भी आ गए आपके सामने खड़े हैं। दिनों आपसे जानना चाहूंगा, हसल की अगर मैं बात करूं, हसल के बाद अब इस रियलिटी शो की मैं बात करूं, अब आपके जो फैंस हैं कई हद तक चाहते हैं कि आप बिग बॉस में भी आए हैं, तो इसमें हां सर 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 कर लो सर भाई, कैसा फैन है मेरा, ये कौन से फैन हैं, कैसे फैंस हैं, तो बिग बॉस का नया सीजन भी आ रहा है तो आने तो अच्छी बात है, हम देखेंगे, हम रील व्रील्स देखेंगे और हंसेंगे, ताली बजाएंगे, अच्छी बात। नया क्या आ रहा है? हाँ तो मैं नहीं आ रहा हूँ भाई बिग बॉस में, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं क्योंकि मुझे क्योंकि मैं बिग बॉस वाला मटेरियल नहीं हूँ, मतलब मेरे अंदर उतना वो है नहीं कि मैं उतना टिक पाऊँ वहाँ पर। खतरों के खिलाड़ी इज मी, हसल इज माई क्राफ्ट, और उसके अलावा खतरों के खिलाड़ी से अच्छा तो शो ही नहीं है मेरे को लगता है पूरे इंडिया, मतलब आपने क्या ही देखा और क्या ही पता है,
लेकिन जब कम्पीट करते हो आपको पता लगता है कि वो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा. वेरी ट्रू. और आई डोंट थिंक आई कैन एवर डू बिग बॉस अनलेस दे लाइक हैव टू लाइक पे मी टू मच. उतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा कलस. क्या बड़ी स्टेटमेंट बोलती कंट्रोवर्शियल. बहुत अच्छा लगा यार. पुराने दिन क्या बोल, मैं कॉलेज ही नहीं गया तो क्या पुराने दिन. लेकिन अच्छा था. मेरे कोई पुराने दिन ही नहीं है. पुराने दिन नहीं, क्योंकि नागपुर में कॉलेज वाले हम लोग डिफॉल्टर्स थे तो हम लोग कॉलेज कभी गए नहीं. तुमको पता नहीं है बट आई नो दैट आई गॉट द वाइब द एनर्जी एंड एवरीथिंग. टाइम बहुत अच्छा रहता कि यहाँ पर यू डोंट गिव अ flying whatever about anything and this is the time to actually do whatever you want to do. So chill karo, masti karo yaar, kya hai. Sir, how was your experience at Chitrita vibe dekhi kaisa? Achha hai, bahut bahut acha bro. Main to college mein perform karta rehta hu lekin hamesha bahut alag energy rehti hai. Wo energy rehti na that you don't actually care about anything, wo actually hum tak pahunchti hai. It's a very laid back and nice and fresh environment always to be around because we all are kids as a creators. Hum log kabhi bade hi nahi ho paaye. Aur hum log us atmosphere mein wapas aate hain to humko acha. ये नहीं बिल्कुल नहीं था. शिजान आपसे जानना चाहेंगे, काफी लोग ऐसा चाह रहे कि ब्रदर एंड सिस्टर ड्यो दिखे बिग बॉस के घर पे. आपके सिस्टर ने एक सवाल में कहा था कि शी इज रेडी फॉर द बिग बॉस, तो हम देख सकते हैं आप दोनों को एक साथ बिग बॉस के घर पे. नहीं देखो वही बात है कि हूएवर इज रेडी कैन डू इट. मैं अपने आप को नहीं देखता हूँ, जैसे भाई ने बोला कि खतरों वो समथिंग जो मुझे भी लगा कि यार ये मैं अपने आप को करते हुए देख सकता हूँ. आई डोंट थिंक कि मैं बिग बॉस में अपने आप को देखना चाहूँगा फॉर टाइम. तो कुछ और अच्छा करेंगे लाइफ. आपसे जानना चाहूंगा रश्मि क्या लगता है? इसके बाद बिग बॉस ही जा रही हूँ. हाँ, इसके बाद यहाँ से ऑटो पकड़ के वो कहते हैं बिग बॉस सीधा उस घर में लेके जाएंगे. मैंने कहा ठीक है उधर चलते हैं. मैं सलमान भाई के घर जा रहा हूँ, हम दोनों साथ. हाँ, ये लोग साथ. मैं वोटिंग करूंगा तुम दोनों के लिए. किसका बहुत अच्छे लेवल पे बड़े लेवल पे मतलब सब बताऊंगा डिटेल अभी आने वाला. ठीक है, थैंक यू सो मच. एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? Any upcoming thing? Any upcoming song? My album is coming. It's a hip-hop pop album. So next month, तो उसके बाद फिर मिलते हैं आपके शहर में. Yeah. मैं वेट करूंगा तुम दोनों के इवेंट्स का. शिजान आपके तरफ से कोई? हाँ, definitely मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ दोनों के इवेंट का. ये दोनों इवेंट कर रहे हैं, मुझे बुलाए. What about you? आपके कोई? मेरे भी हैं जो पाइपलाइन में हैं. It's gonna take a little bit time. So जैसे आएगा मैं इंशाल्लाह आप सबको बताऊँगा. कुछ? आज एशिया कप का. आज क्या है? पूरी तरीके से तो हारे अपन अभी बांग्लादेश से. नहीं ना, कटा दी ग्रुप की. आज विराट कोहली खेलने वाला है. कोहली भाई मैंने फोन करके बताया इनको. उबर नहीं पाया मैं फिर टीवी में. मैंने जिम में देखा, बहुत बुरा लगा मुझे देख के. आज फाइनल है. अच्छी बात है, जीती जाएंगे. जीत जाएंगे यार, जीतेंगे भाई, जीतेंगे. हम यार क्रिकेट कितना क्रिकेट देखेंगे यार, बहुत क्रिकेट चल रहा है. हम जीतेंगे. उन लोगों को रिलैक्स कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सांस लेने दो. आप इतना और मैच क्या है? लेट देम चिल. उनकी बीवी बीवी के साथ जान दो, थोड़ा टाइम पास करने दो, घूमने दो. लेट देम रिलैक्स एंड जस्ट लीव देम अलोन. थैंक यू थैंक यू सो मच.